अब सीता तो मम सख्योह रसीदायाह परिणोत्सवः आसन्नो वर्तते। मेरी सखी रसीदा का परिणय उत्सव आसन्नो वर्तते। परिणय उत्सव मतलब मेरी सखी रसीदा का विवाह उत्सव नजदीक आ रहा है। आसन्नो वर्तते नजदीक आ रहा है। मम अन्याह सख्यः तु मेरी अन्य सहेलियां तो सहस्त्राणाम रूप्यकाणाम हजारों रुपए के नभी नवान नए नए उपहारान दास्यंती नए नए उपहार देंगे। दास्यामि किमहं तस्य मैं उसे क्या दूंगी मैं उसके लिए क्या दूंगी किमहं तस्य मैं उसके लिए क्या दूंगी। द्विशतम रूप्यकाणाम व्यवस्था बिना 200 रुपए की व्यवस्था के बिना को अपि उपहार कोई भी उपहार आपणात् न लप्स्यते बाजार से प्राप्त नहीं होगा। मेरी सखी रसीदा का विवाह उत्सव नजदीक है। मेरी अन्य सहेलियां तो हजारों रुपए के नए नए उपहार देंगी मैं उन्हें क्या दूंगी। 200 रुपए की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार बाजार से प्राप्त नहीं होगा। अब बोलती है कविता कि माता जीर्णानि में सर्वाणि वस्त्राणि कि माता मेरे सभी कपड़े पुराने फटे हैं। जीर्णानि फटे पुराने तो मेरे सभी जो कपड़े हैं वे फटे पुराने हैं। दीप मालिका परवड़ितो नव वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। दीपावली पर्व में तो दीपावली के त्यौहार पर तो नए कपड़े पहन करके मैं लक्ष्मी पूजन करूंगी। कविता बोलती है कि माता मेरे पास जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। इस दीपावली के पर्व में तो मैं नए कपड़े पहन कर ही लक्ष्मी पूजन करूंगी। अब बारी आती है सीमा की तो वो बोलती है कि पीतः नगरे सर्वत्र दीप मालिका परवड़ह शुभागमने अग्नि क्रीडनाकानां पटापट शब्दः श्रूयते। पिताजी नगर में सभी जगह दीपावली पर्व के शुभागमन पर अग्नि क्रीडनाकानां पटाखों का पटापट शब्द सुनाई दे रहा है। अस्माकं गृहं और हमारा जो घर है न शोधितम न तो साफ सफाई किया गया है न धवली कृतम और न ही पुताई किया गया है। नगर में सभी जगह दीपावली पर्व के शुभागमन पर क्या हो रहा है पटाखों की पटापट शब्द सुनाई दे रही है और हमारा घर न तो शोधित किया हुआ है न तो साफ सफाई किया हुआ है और न ही पुताई किया गया है। मम सखी भी हतु प्रभुतेन धन व्ययेन मेरी सखियां तो बहुत अधिक धन व्यय करके धन खर्च करके कृतानी अग्नि क्रीडनकानी उन्होंने अपने लिए पटाखे खरीदे हैं। मेरी सहेलिया ने तो बहुत अधिक धन खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। इदानीम तु अहमपि इस समय मैं भी 500 रुपये के अग्नि क्रीडनकानी क्रेतुम इच्छामि इस समय मैं भी 500 रुपए के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। अब मोहन की बारी है। मोहन कहता है कि न पश्यति यूयम सर्वे मम अवस्थाम तुम सभी मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो। ज्वरेण वेपते में शरीरम मेरा शरीर ज्वर से वेपते कांप रहा है एकतः रुग्णावस्था एक तो बीमारी की अवस्था अपरतः स्वार्थ प्रेरिता एवं सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत एक तो मेरी बीमारी की अवस्था और दूसरी स्वार्थ से प्रेरित होकर के तुम सब स्वमनोरथान अपने अपने मनोरथन को ही एव पश्यत देख रहे हो। सत्यमेव उच्यते सत्य ही कहा गया है छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति अर्थात कमी में भी
कमी या दोषों में ही बहुत से अनर्थ होते हैं। छिद्रेषु अनर्थाः, कमी या दोषों, कमियों या दोषों में भी बहुत से अनर्थ होते हैं। मोहनस्य अभिन्नं मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति। मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रविशति, प्रवेश करता है। द्वे कन्ये, अपनी दोनों कन्याओं के साथ, महिमा और गरिमा। चापि प्रविशतः, मतलब उनके साथ उनकी जो दो कन्याएं हैं महिमा और गरिमा, वो भी प्रवेश करते हैं। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति, सभी जो है अभिवादन करते हैं। अनिल कहता है, मित्रवर नमस्ते, शुभम ते दीपोत्सव भवतु। मित्रवर नमस्ते, नमस्कार है, आपका दीपावली शुभ हो। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सवस्य चाकचक्यम दृश्यते। नगर में सभी जगह दीपावली के त्यौहार की चकाचौंध दिखाई दे रही है। त्वं कथं म्लानमुखः शयानो असि, तुम मुरझाए हुए मुख के साथ क्यों सो रहे हो। तुम मुरझाए हुए, म्लानमुखः, मुरझाए हुए मुख के साथ, शयानो असि, तुम क्यों सो रहे हो। अस्माकं भातृजायापि, हमारी भाभी भी, कथं तुष्णिम उपविष्टा, क्यों चुपचाप बैठी हुई है। अपि कुशलिनः भवन्तः, आप सब कुशल पूर्वक तो हैं। तो मोहन, भातृवर अस्मिन् हर्षोल्लास समये कातर वचनानि ब्रुवाण, ब्रुवाणः अस्माकं भगिनीं पुत्रान कन्यया कन्यकाः च कथं दुःखसागरे निमज्जयसि। भातृवर, भाई, इस हर्ष उल्लास के समय कातर वचनानि ब्रुवाण, दुखपूर्ण वचनों को बोल करके, बोलते हुए, अस्माकं भगिनीं, हमारी बहन, पुत्रान, पुत्रों, कन्यकाः च, और कन्याओं को, कथम दुख सागरे निमज्जयसि, क्यों दुख के सागर में डूबो रहे हो। संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते, इस संसार में दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि, आपत्ति के समय भी आत्मबल को त्याग नहीं करना चाहिए। असल में यह जो संवाद है, ये अनिल का होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है जैसे लग रहा है, क्योंकि अनिल ही बोलेगा कि भातृवर, इस हर्षोल्लास के समय में दुखपूर्ण वचनों को बोलते हुए हमारी बहन पुत्रों और पुत्रियों को क्यों दुख के सागर में डुबो रहे हो। दुख, इस संसार में दुख और सुख जो हैं चक्र के समान घूमते रहते हैं। इस आपत्ति के समय भी आत्मबल को त्याग नहीं करना चाहिए। तब मोहन बोलेगा कि मित्र, परिवार एवं मम दुखस्य कारणम, मेरा परिवार ही मेरे दुख का कारण है। मम ऐसा पुत्री श्यामा विवाह योग्या संजाता, मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह के योग्य हो गई है। अनिल कहता है कि मित्रवर न ते वचो अभिनंदामि, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते च करणीया, चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करना चाहिए। यदि अन्यथा न मन्यन्से, यदि अन्यथा नहीं मानो तो बृहत परिवार एव युष्मदीयम दुख कारणम, बड़ा परिवार ही तुम्हारे दुख का कारण है। वृत्तिया तो भवत सदृश्यमेव, और तुम्हारी जो आजीविका है वो तो मेरे समान ही है। अर्थोपार्जनम क्रियते मया, अर्थात आजीविका के रूप में तो आपके ही समान धनोपार्जन मेरे द्वारा भी किया जाता है। आजीविका के रूप में आपके ही समान धनोपार्जन, या धनोपार्जन जो है मेरे द्वारा भी किया जाता है। मैं भी उतना कमाता हूँ जितना आप कमाते हैं, लेकिन आपका बड़ा परिवार है, इसी यही जो है आपके दुख का कारण है। तो श्रुति कहती है कि भातृवर मम तु कन्ये पुत्र समे एव स्तः, जो अनिल की पत्नी है श्रुति, वो कहती है कि हे भाई, मेरी तो ये दोनों पुत्रियाँ पुत्र समे एव स्तः, पुत्र के समान ही हैं। एका तु चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययन करोती, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। अपरा दूसरी
संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। आवाम स्वस्थ प्रसन्न स्वद्वेकनी अपी च, हम दोनों हमारी दोनों पुत्रियों के साथ स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अस्माकं सदनम सानंदम, हमारा जो घर है, सदन मतलब घर, हमारा घर आनंद से परिपूर्ण है। सानंदम आनंद से परिपूर्ण है। अब राधिका कहती है कि भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषय कदापि न चिंतितम, कि हे बहन हम दोनों ने परिवार नियोजन के बारे में कभी भी नहीं सोचा। अस्मिन् विषये पूर्वम् आवाम न प्रेरितौ, और इस विषय में पहले हम प्रेरित नहीं हुए हैं। हे बहन हम दोनों ने परिवार नियोजन के बारे में भी कभी भी नहीं सोचा, और इसके बारे में हमें किसी ने भी आज तक आवाम न प्रेरितौ, मतलब पहले हम लोग प्रेरित नहीं हुए हैं। अनिल गतस्य सोचनम न करणीयम, बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। लघु परिवार विषये अन्यान प्रेरयन, छोटे परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए स्वपरिवारम अपि, अपने परिवार को भी प्रकारांतरेण प्रेरय, प्रकारांतर से प्रेरित करो, मतलब अपने आप से आप लोग प्रेरित करो, दूसरों को छोटे परिवार के बारे में प्रेरित करो और अपने परिवार को भी अपने आप से प्रेरित करो। मत सामर्थ्यानुसारेण, मेरे सामर्थ्य के अनुसार, अहम सहयोगाय तत्पर, मैं हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। इदानीम अस्मान गृह गमनाय आज्ञापयतु, इस समय हमें घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए, अब हमें घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए, गृह गमनाय आज्ञापयतु। मोहन राधिके, मोहन राधिका दोनों बोलती है गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, अर्थात पुनः दर्शन के लिए आप जाइए, जाइए लेकिन पुनः ही आइएगा पुनर्दर्शनाय। श्रुत्य अनिलौ, श्रुति और अनिल पुत्रीभ्याम पुत्रियों के सह साथ स्वगृहम प्रति अपने घर की ओर गच्छतः जाते हैं। श्रुति और अनिल अपने पुत्रियों के साथ अपने घर की ओर जाते हैं। तो ये है हमारा पाठ लघु परिवार एवरम, मतलब छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। यह इस पाठ में लघु परिवार सुखी परिवार के बारे में बताया गया है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पाठ का जो अभ्यास वाला भाग है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।